अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मसाले वाली दाल। चलिए फिर शुरू करते हैं। मसाले वाली दाल बहुत सारी दालों से बन सकती है, लेकिन मैंने यहाँ अक्खी मसूर ली है। उसे मैंने धोकर भिगने के लिए थोड़ा पानी डालकर ऐसे ही छोड़ दिया है। और मैंने यहाँ 3 टमाटो, 2 बड़े ऑनियन, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा जिंजर मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और 3 से 4 ग्रीन चिल्ली। और पाउडर मसाला में मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, थोड़ी सी हींग 1/2 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच सॉल्ट। और ये 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी का पाउडर लिया है। कसूरी मेथी को मैंने मिक्सर में घुमा के उसका पाउडर कर लिया था। ये मैं बाद में, जैसे मतलब जब हमारी दाल पूरी बन जाएगी उसके बाद मैं ये डालूँगी कसूरी मेथी। और ये सब जितने भी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ये टीस्पून है। और मुझे यहाँ पे 2 तेज़पत्ते की भी ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया बारीक बारीक काट लिया है, थोड़े पुदीने के पत्ते, और थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली को मैंने ऐसे स्प्लिट करके इसे भी काट लिया है। चलिए फिर बनाते हैं हमारी मसाले वाली दाल। इसे आप कुकर में या तो फिर हांडी में या कोई और बर्तन में पका सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुकर लिया है क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है इसलिए। और मैं यहाँ पे अभी लूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसमें ये तेज़पत्ता डाल दूँगी। अब डाल देंगे हींग। मैं हींग को हल्का सा ब्राउन करना है, उसके बाद मैं डाल दूंगी ज़ीरा। और जो ये अदरक मैंने बारीक बारीक चॉप की थी इसे भी मैं अब डाल दूंगी, और साथ में डाल दूंगी ये ग्रीन चिली जो मैंने बड़े बड़े पीसों में कट की थी। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे हमारे ऑनियन जो हमने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे। ऑनियन को हमें हल्का ब्राउन करना है। ऑनियन थोड़े से ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि ये मसाले वाली दाल है और जिंजर गार्लिक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर ज़्यादा हो तो। इसे भी हम अच्छी तरीके से लाल कर लेंगे तो इसकी कच्ची भून चली जाए। एक से दो मिनट हमें जिंजर गार्लिक के साथ भून लेना है। फिर हम इसमें अब हमारा टमाटे चॉप जो हमने किए थे वो ऐड कर देंगे। और इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब ये पाउडर मसाले जितने भी थे मैं इसमें भी ऐड कर लूँगी। मैंने इसमें से कसूरी मेथी हटा दी है। इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें ये जो दाल हमने धो के रखी थी ये ऐड कर देंगे। मसालों के साथ दाल 5 मिनट तक पक जाए उसके बाद हम कुकर का लीड बंद कर देंगे। चलिए जी, हमने 5 मिनट हमारी दाल को मसालों के साथ भून लिया है।
इस स्टेज में मैं थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा कटा धनिया भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं अभी कुकर की लिड बंद करने वाली हूँ, तो ज़रा इसमें धनिया और पुदीना का भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बस कुछ सेकंड हमें ऐसे ही धनिया और पुदीना के साथ भी इसे भूनना है, और फिर जितना पानी चाहिए हम उतना पानी इसमें डाल देंगे। पानी आप इतना डालें कि आपकी दाल उसमें अच्छे से डीप हो जाए। अब मैं कुकर को लीड लगा दूंगी और दो सीटी होने तक मैं उसे ऐसे ही दो सीटी हो जाए आप गैस बंद कर दीजिए। हमारी दो सीटी हो चुकी, गैस बंद कर देंगे। पूरा स्टीम निकल जाने के बाद हम इसका लिड ओपन करके देख लेते हैं कि हमारी दाल कैसी है। हाँ देखिए, हमारी दाल अच्छे तरीके से पक चुकी है, हमें ऐसे ही चाहिए। इस स्टेज में हम नमक भी चेक कर लेंगे। थोड़े नमक की और ज़रूरत है इसमें। और आप भी जब बनाएं तो आप भी उस इसी टाइम नमक चेक कर लें। परफेक्ट। अब हम इसमें जो हमने ये हरा धनिया काट के रखा था ये भी डाल देंगे, और थोड़े से पुदीने के पत्ते, और ये जो ग्रीन चिल्ली भी मैंने स्प्लिट करके कटिंग की थी ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा देसी घी। देसी घी डालने से इस दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अगर आप ना डालना चाहे तो कोई बात नहीं। और ये जो कसूरी मेथी जो मैंने बचा के रखी थी एंड में डालने के लिए, ये भी इसी टाइम हम डाल देंगे। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे जी। बस चलिए फिर इसे अभी हम सर्व करते हैं। लीजिए जी, तैयार है हमारी मसाले वाली बहुत ही टेस्टी और बहुत ये भी बहुत जल्दी बन जाती है इंस्टेंट दाल। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स करना ना भूलें। आप लोगों की कमेंट्स मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। अल्लाह हाफिज़।